इस सीट को घुमाने की। ये देखें, अब आप बाहर के, अगर आप बाहर का चाहते हैं व्यू करना, तो ये देखें भाई, कैमरा मैन दिखाए, आप यहाँ से अपने बेड के बाहर के आराम से नजारे कर सकते हैं। मैंने टच किया इंग्लिश के ऊपर, ये देखें, ये टच हो जाएगा। अब यहाँ से म्यूजिक है, देखिए भाई म्यूजिक ऑन होगा यहाँ से। अब आपका कोई भी आपका प्रोग्राम है, आप यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ से आपने बैक किया, ये मूवीज है, देखिए भाई ये मूवीज स्टार्ट हो गई। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और मजेदार टी के अलावा 5-स्टार होटल का खाना ये होगा। आप चाहते हैं कोई आपको परेशानी है तो इसको आप पुश करेंगे तो ये मैसेज जाएगा होगा, वो आपके पास फौरन आ जाएगा और उसके बाद ये आपको कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी आपकी पूरी कर देगा। अब देखें ये दरवाजा है, ये ऐसा नहीं खुलेगा, यहाँ आप पुश करेंगे, ये देखें ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। मैं देखें यहाँ बात करूँ, देखें ये देखें आप तकिए, चादरें इसके अंदर इंक्लूड है, कोई किराया नहीं है। यहाँ पर आपको दी गई है LED, ये देखें आप अपना कोई भी प्रोग्राम लगा सकते हैं, यहाँ से ये ऑन होती है, जब गाड़ी चल जाएगी तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर सामान वगैरह अपना रख सकते हैं। साफ सुथरा वॉशरूम ये दिया गया, ये देख सकते हैं पूरा, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, ये देखें अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाज में। जहाज लग रहा है आपको? ये बिल्कुल लग रहा होगा, देखिए जहाज नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान रेलवे की सबसे लग्जरी ट्रेन ग्रीन लाइन है। ग्रीन लाइन के पार्लर कार में मैं मौजूद हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये जहाज जैसी सीटें जिसके अंदर वो तमाम सहूलत दी गई है जो जहाज में होती है, बल्कि ये इस वक्त पार्लर कार में ये सहूलत दी गई है। पाकिस्तान रेलवे की सबसे बेहतरीन और अच्छी ट्रेन है ये। मैं आपको जरा ये बताऊं, देखें इसके अंदर LED दी गई है, देखें ये LED है, और LED के अलावा आपको जो प्रोग्राम लगाना है, कैमरामैन जरा दिखाए, ये देखिए मैंने टच किया इंग्लिश के ऊपर, ये देखें ये टच हो जाएगा। अब यहाँ से म्यूजिक है, देखिए भाई म्यूजिक ऑन होगा यहाँ से। अब आपका कोई भी आपका प्रोग्राम है, आप यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ से आपने बैक किया, ये मूवीज है, देखिए भाई ये मूवीज स्टार्ट हो गई, हम TV आ रहा है। जो भी आपको यहाँ प्रोग्राम लगाना है वो आप लगा सकते हैं। अगर देखिए मैं बात करूँ इस सीट को घुमाने की, ये देखें, अब आप बाहर के, अगर आप बाहर का चाहते हैं व्यू करना, तो ये देखें भाई, कैमरामैन दिखाए, आप यहां से अपने बेड के बाहर के आराम से नजारे कर सकते हैं। अगर आप चार बंदे हैं, सारे चार दोस्त हैं अगर, तो अगर आप चाहते हैं कि आमने सामने बैठना चाहते हैं, तो ये देखें आप, कैमरामैन यहाँ के दिखाए, इस साइड जाए जरा अंदर, ये आपको दिखाऊं, ये देखें भाई, चार बंदे आराम से गेट टूगेदर, आराम से बात भी कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम भी बात शेयर कर सकते हैं आपस में। और ये पाकिस्तान रेलवे की सबसे अच्छी गाड़ी है। अगर मैं बात करता हूँ इसके स्टॉप की, देखें कराची चलती रात 10 बजे, उसके बाद इसका पहला स्टॉप है हैदराबाद। हैदराबाद के बाद जाती है सीधी है रोड़ी, रोड़ी पर पानी वगैरह भरा जाता है। उसके बाद इसका कोई स्टॉप नहीं है सिवाय भावलपुर के। भावलपुर 5 मिनट रुकती है। भावलपुर के बाद ये बरास्ता, लोधरा से जानिया, जाने से जाती है खानेवाल से इसका स्टॉप डायरेक्ट लाहौर है। बीच में कोई स्टॉप नहीं है। उसके बाद लाहौर के बाद अगर बात करते हैं इसके अपना गाड़ी की, तो इसकी कोचिस की तादाद को कम कर दिया जाता है। जैसा कि इस वक्त कोचिस इसकी 19 है टोटल, जिसके अंदर 5 इसकी कोचिस हैं बिजनेस क्लास की, और तकरीबन 5 AC स्टैंडर्ड है, 6 इकोनॉमी क्लास है, 1 पॉलर कार है, 1 लगेज वैन है, और 1 पावर वैन है, और 1 इसका लोकोमोटिव मिलाकर 20 हो जाते हैं टोटल, 19 कोचिस 1 लोकोमोटिव। अगर हम इसकी बात ये करते हैं किराए की, देखिए किराया बहुत ही इसका सिंपल है। अगर आप चाहते हैं कराची से लाहौर सफर करना इस क्लास के अंदर, मतलब ये पॉलर कार के अंदर, तो उसका किराया 9,800 रुपये है, जिसके अंदर खाने की और नाश्ते की सहूलत दी गई है। बहुत से लोग अमूमन डायवो में सफर करते हैं या फैसल मूवर सफर करते हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि एक बार आप अगर लाहौर का सफर करते हैं तो इसमें करके देखें, आप डायवो को भूल जाएंगे, फैसल मूवर्स को भूल जाएंगे, इसमें इतना मजा आता है। और इसके अलावा अगर आप खाने की बात करते हैं, इसके अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के आपको फास्ट फूड मिलते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डर करते हैं जिंगर, पिज्जा, बारबेक्यू, जो भी आपको मंगाना है वो इस गाड़ी में सहूलत दी जाती है। अगर मैं बात करूँ उसकी किराए की कराची से रावलपिंडी के लिए, तो उसका किराया है 10,300 रुपये, उसमें भी ये सहूलत इंक्लूड है। तो मजीद थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर देखें आप यहाँ पर सामान अपना रख सकते हैं। सामान रखने के बाद यहाँ पर आप नीचे बैठ जाएं, इंजॉय करें, अपने बच्चों को इंजॉय करवाएं। और अगर मैं आपको एक बात कह रहा था कि लाहौर से जो इसका अगला स्टॉप है वो होता है चकलाला। चकलाला के बाद सीधा रावलपिंडी, रावलपिंडी 20 मिनट रुकने के बाद ही जाती है सीधे इस्लामाबाद। देखें पाकिस्तान की पहली गाड़ी जो कराची से सीधे इस्लामाबाद जाती है। अमूमन गाड़ियाँ खैबर मेल हो गई या पाकिस्तान हो गई, हजारा एक्सप्रेस हो गई, तेजगाम हो गई, वो उसका स्टॉप सिर्फ रावलपिंडी का होता है। लेकिन ये वाहिद गाड़ी है जो रावलपिंडी से आगे इस्लामाबाद तक जाती है। बहुत से काम करने वाले बिजनेस में अफराद के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आज आपको मैं बताऊंगा कि इसका AC स्टैंडर्ड कैसा है, इकोनॉमी क्लास कैसी है। और देखिए यहाँ देखें
ये फायर फाइटर दिया गया है, ये तमाम कोचेस में दिया गया है। आप देखें अगर कोई हादसा वगैरह होता है तो उसके लिए भी आपको ये कारामद है। इसके अलावा यहाँ देखें तंबाकू नोशी मना है, यहाँ पर आपकी अनाउंसमेंट होती है, गाड़ी की स्पीड वगैरह जो भी है वो बताई जाती है। और देखिए एक चीज में आपकी रह गई मेरी, ये देखें ये काल बटन है, कैमरामैन दिखाए काल बटन, अगर आप चाहते हैं कोई आपको परेशानी है तो इसको आप पुश करेंगे तो ये मैसेज जाएगा अंदर वेटर के पास, जो अंदर जो बंदा होगा वो आपके पास फौरन आ जाएगा और उसके बाद ये आपको कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी आपकी पूरी कर देगा। अब देखें ये दरवाजा है, ये ऐसा नहीं खुलेगा, यहाँ आप पुश करेंगे ये देखें ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। इसके अंदर एक छोटा सा किचन दिया है, देखिए इसका गेट लॉक है, मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये पोलर कार में एक छोटा सा किचन दिया जाता है जिसमें आपका कोई खाना वगैरह है, इसमें फ्रिज है वो आप गर्म वगैरह कर सकते हैं। देखिए यहाँ आपका एक्स्ट्रा लगेज जो होता है अगर आपके बड़े ब्रीफ केस है वो आप यहाँ रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये इसका एक पूरा एक मॉनिटर रूम है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इकोनॉमी क्लास में, बिजनेस क्लास में और एसी स्टैंडर्ड के अंदर, उसकी भी क्या क्या अपना सहूलत मौजूद है, उसके अंदर भी क्या क्या किराया उसका है, तो वहां चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ग्रीन लाइन में आप किस तरह सफर कर सकते हैं इकोनॉमी क्लास के अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर और बिजनेस क्लास के अंदर। बहुत ही अच्छी और स्मूथ इसकी ड्राइव है, 6 से 7 इसके स्टाफ हैं। तो चलें आपको मजीद और कुछ दिखाते हैं, उसकी जो भी मालूम आते हैं आप शेयर करते हैं। तो दोस्तों इस वक्त मैं आ गया हूँ ग्रीन लाइन की इकोनॉमी क्लास के अंदर। देखिए इकोनॉमी क्लास के अंदर जो भी फैसिलिटीज दी जाती हैं, सबसे पहले आप देखें ये फायर फाइटर है, अगर कोई आग वाग लग जाती है तो उसके लिए भी यहाँ पर एक सहूलत दी गई है। इसकी मजे की बात यह है कि इसकी जो बर्थें हैं, मैं आपको बर्थें दिखाता हूँ, इसकी बर्थों में एक खसूसियत यह है कि हमारे जितने भी जो हमारे मुसाफिर होते हैं उनको चार्जिंग का बड़ा मसला होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखें चार्जिंग के स्पोर्ट दिए गए हैं, 2 मोबाइल यहाँ चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ तक प्लग भी दिए गए हैं, यहाँ पर भी दिए गए हैं, यहाँ तक के ऊपर भी दिए गए। ये देखें आप जितने भी मतलब के ये बर्थ वाले हैं, जब 3 बंदे इधर बैठते हैं 3 बंदे इधर बैठते हैं तो 6 बंदों का एक कंपार्टमेंट है, टोटल 10 कंपार्टमेंट होते हैं जिसके अंदर 60 बर्थें होती हैं और 18 सीटें होती हैं। किराए की बात करता हूं, अगर मैं कराची से लाहौर की तो 4,300 रुपए इसकी सीट है, 4,400 रुपए का ये बर्थ है। अगर मैं बात करूं किराए की इकोनॉमी क्लास की कराची से पिंडी या इस्लामाबाद की तो 5,000 रुपए का इसका सीट है और 5,100 रुपए का बर्थ है। अब मैं एक मजे की बात आपको बताऊं, इसके अंदर आपको रात का खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और मजेदार टी, टी के अलावा 5-स्टार होटल का खाना ये होगा। तो मजीद आपको ये पूरी आप देखें ये पूरी ये बढ़ते हैं, यहाँ आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, ये इसकी विंडोज हैं। और मजीद थोड़ा सा मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ कि ये इस गाड़ी के अंदर, इस बर्थ के अंदर बैठने से आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं। अमूमन पाकिस्तान रेलवे की जो दूसरी ट्रेन है उसके अंदर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप ये जो ट्रेनें होती हैं घट 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 कर रही होती है, लेकिन ये ट्रेन ऐसी है इसमें बिल्कुल स्मूथ आपकी ड्राइव है कि ये जहाज वाले मजे आप लें इस गाड़ी के अंदर। और मजे की बात ये है कि इसके अंदर आप एक अच्छा सफर तय कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूँ कि एसी स्टैंडर्ड कैसा है, तो अब वहां भी चलते हैं कि आपको भी दिखाते हैं उसके अंदर कितनी सहूलत दी गई है। तो चलिए हमारे साथ। अच्छा आप ये देख सकते हैं ये इमरजेंसी ब्रेक है और अगर कोई भी मसला होता है तो उसके लिए अगर आप जान बूझ करके इसको दबाते हैं या खींचते हैं तो 2,000 रुपए जुर्माना है। अब आपको दिखाता हूँ उसका वाशरूम वगैरह कैसा है। ये देखें वाशरूम में मैं इंटर हुआ हूँ, ये देखें ये इसकी WC है और साफ सुथरा वाशरूम ये दिया गया है, ये देख सकते हैं पूरा, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, ये देखें साफ सुथरा वाशरूम है, ये स्टैंडर्ड क्लास का है, इकोनॉमी क्लास का भी वैसा ही है, तो इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखें ये इसका बेसन है और ये यहाँ पर आपको टिश्यू वगैरह दिया गया है, देखें ये टिश्यू वगैरह दिया गया है, यहाँ लोटा रखा हुआ है, यहाँ से टूटी है, ये पानी आ रहा है, ठीक है, और ये बेसन दिया गया है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ ये है, देखें ये बंद है, मैं आपको दिखाता हूँ ये बंद है, ये देखें ये अगर आप चाहते हैं कि भाई मिसाले के सफाई वफाई के लिए अगर आप अपने हाजत से फारिग हुए हैं तो यहाँ से आप पुश करेंगे इसको, ये देखें ये खुल जाएगा और ये सारी सफाई हो जाएगी, गंदगी सारी नीचे गिर जाएगी। तो ये पूरा एक इकोनॉमी क्लास का और एसी स्टैंडर्ड का तकरीबन देखिए सेम इसका वाशरूम है और कैमरामैन इसलिए अंदर आ नहीं सकता, जगह वो शॉर्ट थी, ये इसकी विंडो है बाहर की और ये इसका एक शीशा दिया गया है, ये देख सकते हैं आप, और ये इसका यहाँ से पकड़ने का है, आप अगर मिसाल दौरान सफर अगर आप वाशरूम को यूज कर रहे हैं तो इसको आप पकड़ के यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। तो मजीद और चीजें आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या सहूलत मौजूद है स्टैंडर्ड क्लास के अंदर, बिजनेस क्लास के अंदर, इकोनॉमी क्लास में। वाशरूम तकरीबन सेम है, किसी में कमोड है किसी में WC है, मजीद और चीजें आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इस वक्त मैं आ गया हूँ एसी स्टैंडर्ड क्लास में ग्रीन लाइन के अंदर, आपको लेके चलता हूँ। इसमें होते हैं 2 डोर, देखिए पहला डोर है ये और ये है सेकंड डोर, और यहाँ देखें यहाँ पर लगाया है फायर फाइटर, ये देखें आग बुझाने का आला। और अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाके। सबसे पहले देखिए ये है आपकी इकोनॉमी क्लास, अपना एसी स्टैंडर्ड क्लास की बर्थें हैं जिसके अंदर 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, और आप अगर वॉशरूम से फारिग होकर आते हैं यहाँ पर दिया हुआ हैंड क्लीनर, ये देखिए ये हैंड क्लीनर है हाथ सुखाने के लिए आपको। और एक बात ये है, इसकी खास बात ये आपको बताऊं मैं,
कि आपका अगर कोई भी अपना स्टॉप वगैरह आ रहा है तो उसके लिए आप देख सकते हैं, पीछे ही देखें, ये कैमरा मैन दिखाए, यहाँ पे होती है अनाउंसमेंट, स्टेशन आ रहा होता है कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही होती है, ये देखें यहाँ पर गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, स्टेशन कौन सा आ रहा है, सब बताया जाता है। किराए की अगर मैं बात करता हूँ कराची से अपना लाहौर जाने के लिए, तो 8,700 रुपए का इसका बर्थ है। इसके अंदर सीटें नहीं होती हैं बल्कि इसके अंदर बर्थें होती हैं। और अगर मैं बात कर रहा हूँ कराची से इस्लामाबाद जाने के लिए तो, या पिंडी जाने के लिए, 9,150 रुपए बर्थ है। अब देखें, ये देख रहे होंगे आप साइड, ये देखें, ये है सीट है, ठीक है। अगर आपको रात को सोना है तो आप इसको ऐसे ऊपर करेंगे और इसका बनाएंगे बर्थ, और यहाँ पर आप ऐसा करके लेट जाएंगे। तो मतलब कि ये सहूलत दी गई है ऐसे स्टैंडर्ड के अंदर। अगर मैं देखें यहाँ बात करूँ, देखें ये देखें आप, तकिए चादरें इसके अंदर इंक्लूड है, कोई किराया नहीं है। आप ये देखें यहाँ पर, देखें ये लाइट है, ये लाइट जल रही है, ठीक है, ये लाइट यहाँ भी जलती है। रात को आप सोते हैं तो आप आराम से इसको भीम लाइट करके इसको ऑन कर सकते हैं। नीचे डस्टबिन दिया गया है, डस्टबिन के अलावा आप देखें यहाँ पर भी चार्जिंग स्पॉट दिए गए हैं। अमूमन इकोनॉमी क्लास में या ऐसी जो पाकिस्तान की रेलवे की जो और कोचेज हैं वहाँ पर चार्जिंग स्पॉट बहुत सी गाड़ियों में नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर सहूलत ये दी गई है कि चार्जिंग स्पॉट है। और देखिए, अल्लाह ना करे कोई हादसा वगैरह होता है, आग वगैरह अगर लग जाती है तो ये हैमर है, ये हैमर होता है, ये शीशे पर टच होगा, शीशा ब्रोक हो जाएगा। ये सहूलत दी गई है इस गाड़ी के अंदर, जो चाइनीज कोचेज हम इसको कहते हैं। तो मजीद अब आपको हम दिखाते हैं कि इसका जो बिजनेस क्लास है वो इसकी कैसी है। बर्थे दिखाएं ऊपर से, देखें चादरें दी गई हैं, तकिए दिए गए हैं, और ये 60 बर्थें होती हैं। 60 बर्थें मतलब होता है कि 10 पोर्शन है, 60 बर्थें होती हैं। देखें ये भाई पानी लेके जा रहा है, ये देखें, ये भाई इसमें लगाएगा, ये देखें भाई कैमरामैन दिखाए, ये डिस्पेंसर के अंदर आपको मिनरल वाटर पानी मिलता है फ्री, नाश्ता फ्री होता है, खाना फ्री होता है, नाश्ता भी 5-स्टार होटल का है, और यहाँ तक कि इस क्लास के अंदर आपको टूथ ब्रश पेस्ट भी मिलता है आपको शील्ड का। और आप देखें अभी हम चलते हैं बिजनेस क्लास में, वहां के भी आपको बताते हैं क्या किराया है, उसके अंदर कौन सी सहूलत मौजूद है। तो चले हमारे साथ दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिजनेस क्लास के अंदर, आपको दिखाते हैं ये पूरी एक गली एक रो है जिसके अंदर आप देखिए ये साइटों पर भी ये जो आपको नजर आ रही है सीटें, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। अगर आपको बाहर का एंजॉयमेंट करना है, अगर आप नहीं अपना फील महसूस कर रहे हैं तो आप यहाँ अच्छा फील कर सकते हो, बाहर के नज़ारे कर सकते हो। यहाँ आपको दिखाते हैं अंदर इसके अंदर जो सहूलत दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे स्टैंडर्ड की जो कोचेज थी और इसमें क्या फर्क है। देखिए ये पाकिस्तान रेलवे की पुरानी कोचेज हैं, इसको बाहर से पेंट किया गया ताकि तमाम गाड़ी का कलर एक जैसा हो जाए। इसके अंदर सहूलत ये है कि इसके अंदर देखिए तीन बर्थें दी गई हैं इधर, तीन बर्थें दी गई हैं इधर। और ये कराची से लाहौर की अगर बात करते हैं तो इसका किराया है 10,900 रुपये बर्थ, जिसमें नाश्ता भी शामिल है, सुबह का 5-स्टार होटल की चाय भी है, सूप भी है, और दोपहर का खाना वगैरह भी है। और आप ये देखें यहाँ पर तकिए भी दिए गए हैं, लाइट वगैरह दी गई है, नीचे चार्जिंग स्पॉट दिया गया है, डस्टबिन दिया गया है। और मजे की बात यह है कि और जो कोचेज होती हैं, यहाँ के दिखाया जा रहा है, ये देखें यहाँ पर आपको दी गई है LED, ये देखें आप अपना कोई भी प्रोग्राम लगा सकते हैं यहाँ से, ये ऑन होती है, जब गाड़ी चल जाएगी तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर सामान वगैरह अपना रख सकते हैं, चादर तकिए दिए गए हैं, ऊपर भी बैठ सकते हैं, ऊपर भी सो सकते हैं। तो ये पूरी एक गली है जिसको हम कहते हैं ग्रीन लाइन, और तेजगाम की कोचेज तकरीबन इसी तरह की होती है, और कराक्रम की भी इसी तरह की होती है। लेकिन जो इकोनॉमी क्लास है और जो ऐसी स्टैंडर्ड क्लास है, वो जो चाइना से जो नई कोचेज आई थी, अब इसी तरह की कोचेज पाकिस्तान रेलवे इस्लामाबाद के अंदर किराश फैक्ट्री के अंदर बकाया तौर पर बनाई जा रही है। और आप देखें ये पूरा एक अच्छा कंपार्टमेंट है जिसके अंदर 9 कंपार्टमेंट होते हैं, और ये इंग्लिश देखें HABCDEFGH करके होते हैं। तो आप यहाँ पर आए, अपनी सीट बुक करवाएं, और वैसे भी देखें टूर का टाइम चल रहा है। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और अभी हम यहाँ से निकलते हैं बाहर, और आपसे चाहते हैं इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।